नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर डेली आपके लिए लेकर आते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए सभी महत्वपूर्ण कंटेंट्स। यहाँ पर हम मॉडल पेपर्स और सभी महत्वपूर्ण विषयों को कवर करते हैं और इस मॉर्निंग डोज सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स और साथ में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ वो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसको ज़रूर दबा दें और उसके बाद जो आने वाला बेल आइकन है उसको भी ज़रूर टैप कर दें। इससे जो हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं वे डेली आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी कुछ मोटिवेशनल लाइन्स की। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर ड्रीम्स कम्स ट्रू, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दिस वेक अप। यदि आप अपने सपनों को सच में साकार होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अपने सपने सच हों, तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी और वो चीज़ है उठना पड़ेगा। यहाँ पर उठने का तात्पर्य अलग अलग आप ले सकते हैं। उठने का मतलब यहाँ पर जो उठना होता है उससे भी है, और उठने का मतलब है यहाँ पर आपको अपना जो मन है, जो सोया हुआ है, जिसको कि अपने एम का पता नहीं है, उसको उठाना है और बताना है कि तुझे आगे बढ़ना है, तुझे कुछ करना है, और यही है सबसे बड़ा वेकअप। तो दोस्तों, अब हम इन्हीं पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए अपना करंट अफेयर आज का शुरू करते हैं। तो इसमें आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने लंदन में चल रही महिला क्रिकेट सुपर लीग में 18 गेंदों में 50 रन बना करके सबसे तेज अर्धशतक बनाने का उपलब्धि हासिल कर ली है? ठीक है, तो वह कौन सी भारतीय महिला बल्लेबाज हैं जिन्होंने 18 बॉलों में बना दिए हैं 50 रन और पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं जिन्होंने कि इतना फास्ट हाफ सेंचुरी मारी है? तो वे हैं स्मृति मंधाना, जिनको कि 2017-18 में BCCI ने महिला क्रिकेटर का अवार्ड भी दिया था, जिसमें कि जो बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया था वह दिया गया था विराट कोहली को। ठीक है, इन्होंने अभी जो यहाँ पर लंदन में चल रही है, यहाँ पर वेस्टर्न जो स्ट्रोम है, इस टीम से इन्होंने खेला था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला गाय अभयारण्य बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यह क्वेश्चन पहले भी हमारे इसमें डिस्कस हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि आप लोग कितने कंसिस्टेंट हैं हमारे साथ और आपने पिछली वीडियो देखी है या नहीं देखी है, क्योंकि हमने यह पिछली वीडियो में मेंशन कर दिया था। तो आपको ज़रूर बताना है इसका आंसर कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अपना पहला गाय अभयारण्य बनाने पर समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए जनगणना करने का फैसला किया है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो तेलंगाना सरकार ने क्या किया है कि जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए एक अलग जनगणना करने का यहाँ पर फैसला किया है। ठीक है, तो यहाँ पर तेलंगाना के बारे में जाने तो यह 29वां राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अभी फिलहाल हैदराबाद। ठीक है, तो लेकिन इसके बाद में राजधानी बन जाएगी अमरावती। ठीक है, और जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वे हैं चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है, यासर डोगू इंटरनेशनल में कुश्ती में भारत की तरफ से किसने पुरुष वर्ग में 70 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो उनका नाम है बजरंग पूनिया। ठीक है, इन्होंने जो यासर डोगू इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है, जिसमें कि जो महिला हैं, महिला में हमारे देश की जो पिंकी नाम से हैं, इन्होंने भी 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो यह जो है इसमें जो 15-4 से इन्होंने बजरंग पूनिया ने इनको हराया है। ये तुर्की के थे, मुस्तफ़ा कायाज, इनको इन्होंने हराया है 15-4 से। अगले प्रश्न पर आते हैं, फिनलैंड में आयोजित सावो गेम्स की भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो फिनलैंड में अभी आयोजित की गई थी सावो गेम्स भाला फेंक प्रतियोगिता, तो इसमें भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि स्वर्ण पदक जीता है? तो वे हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2018 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ है रूस में, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी चर्चा करी थी कि इसमें क्या है
कि इसमें पहली बार भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं वे आमने सामने होंगी। स्वतंत्रता के बाद आज तक कोई भी सैन्य अभ्यास ऐसा नहीं हुआ था जिसमें कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने आपस में सैन्य अभ्यास किया था, तो यह पहली बार होगा रूस में, जिसका आयोजन 28 जुलाई से हो गया है और 11 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई युवा तैराक हैं, वे कौन हैं जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल जो है जो कि यूके और फ्रांस के बीच में है तो इसको पार कर लिया है, तो वे हैं प्रभात कोहली। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, तो दोस्तों इस प्रश्न पे भी हमने डिस्कस पहले कर लिया है, तो इसका जवाब भी आपको देना है कि हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ऑप्शन है 11 जुलाई, 17 जुलाई, 26 जुलाई या फिर 28 जुलाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दूध मिशन की शुरुआत की है, तो यहाँ पर जो मेघालय राज्य है उसने दूध मिशन की शुरुआत की है, जिसमें कि यहाँ पर जो राज्य की कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मेघालय सरकार ने दूध मिशन की शुरुआत की है। यह जो राजधानी शिलोंग है मेघालय की, वहाँ पर इनके इसके लिए एक केंद्र बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में तकनीकी सहयोग में निवेश के लिए किस देश ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो जो टेक्निकल जो सहयोग देगा तो उस पर निवेश किया है किस देश ने भारत के साथ, तो वह है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने जो है भारत के साथ टेक्निकल सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। अब आपके लिए एक और प्रश्न है, आपको हमें बताना है कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात जो है उसकी राजधानी कहाँ है, इसकी जो मुद्रा है वह क्या है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न आपके लिए हैं, आपको बताने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हैं आपके लिए, हम हमेशा जो स्टैटिक जीके के हैं वे 3 क्वेश्चन जरूर रखेंगे हमारे जो करंट अफेयर है उससे। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं हमारे डेली मॉर्निंग डोज सीरीज़ की। तो इसके लिए पहला प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ पर चलाया गया। ठीक है, बात हो रही है रक्षा सूत्र आंदोलन की, तो यह चलाया गया, आपके लिए ऑप्शंस हैं चमोली, टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा। तो दोस्तों आपको हमेशा की तरह हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, और अपना जो स्कोर है हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया गया, यह चलाया गया आपके टिहरी जनपद में। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें वृक्षों की कटाई के विरुद्ध जो टिहरी का जो भिलंगना क्षेत्र है वहाँ पर ये आंदोलन चलाया गया था, रक्षा सूत्र आंदोलन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, तो वह है, ऑप्शन आपके लिए हैं गोविंद वन्य जीव विहार, केदार वन्य जीव विहार, नंधौर वन्य जीव विहार या फिर अस्कोट वन्य जीव विहार। तो जो सबसे बड़ा है वह है केदार वन्य जीव विहार, जो कि फैला हुआ है आपके चमोली जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद में, और जो इसकी लंबाई है वह है 1957.20 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय बचाओ देश बचाओ, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था। ऑप्शन आपके लिए हैं चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, मोहन जोशी। तो यह नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, ये पर्यावरणविद थे जिनको कि पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, राज्य के 7 जनपदों में कार्यरत जलागम विकास योजना ग्राम्या का वित्त पोषण किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो हमारे राज्य में चल रही है 7 जनपदों में ग्राम्या योजना, जिसमें कि जो जलागम का विकास करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है, तो इसको कौन सी संस्था जो है वह वित्त पोषित है, यानी कि कौन इसको फंड कर रही है, वह संस्था कौन सी है। तो वह संस्था है आपका विश्व बैंक। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है वह कर रही है फंड ग्राम्या को, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, चैतोल त्यौहार का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में होता है। त्यौहार का नाम है चैतोल, तो यह ऑप्शन आपके लिए है चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो यह हो रहा है पिथौरागढ़ जनपद में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, और यह चैत मास में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्थानीय देवी देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है स्थानीय लोगों के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाभारत काल का लाखा ग्रह, जो लाखा मंडल है, वह किस स्थान पर स्थित है।
ठीक है, ऑप्शन है जोशी मठ, रुद्रप्रयाग, देहरादून या फिर अल्मोड़ा। तो लगभग यह प्रश्न आप सबको पता होगा, तो जो इसका सही आंसर है वह है देहरादून जनपद में, यह है लाखा मंडल। इसके बारे में मान्यता यह है कि जब क्या हुआ था, जो पांडव थे उनको कौरवों ने फंसाने के लिए वहाँ पर एक ग्रह का निर्माण किया था जो कि लाख का बना हुआ था, जो कि जल्दी क्या होता है आग से जल जाता है, तो वहाँ पर उनको जलाया जलाने की कोशिश की गई थी जहाँ से वो भाग गए थे पांडव। ठीक है, तो माना जाता है कि यहाँ पर यही वो स्थान था लाखा मंडल। तो यह देहरादून में है जो चकराता है, चकराता से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह जो यमुना और रिखवार नदी है उसके संगम पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, पाषाण शिला पुल स्थित है, पाषाण शिला पुल यानी कि पत्थर का पुल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है गौरीकुंड, पांडुकेश्वर, माणा या फिर चकराता। तो यह पुल जो है वह माणा में स्थित है। माणा कहाँ है आप जानते हैं, यह जो बद्रीनाथ है उससे 4 किलोमीटर दूर है, जो अंतिम गांव है, भारत का अंतिम गांव भी इसे कहते हैं, तो यह अंतिम गांव है माणा, तो यहाँ पर यह स्थित है। यह जो सरस्वती नदी वहाँ पर एक बहती है, आप वहाँ पर कभी घूमने जाओ तो आप जरूर देखिएगा, तो वहाँ पर सरस्वती नदी के ऊपर से यह एक पत्थर का पुल है जिससे कि आर पार जाया जा सकता है, तो बहुत यहाँ पर यह देखने लायक जगह है। आप अगला प्रश्न है, किस स्थान पर लाल जलयुक्त रुधिर कुंड स्थित है। ठीक है, जहाँ पर लाल पानी होता है तो उसको रुधिर कुंड कहा जाता है, तो वह किस स्थान पर है रुधिर कुंड। ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर, द्वाराहाट। तो यह जो कुंड है वह स्थित है केदारनाथ में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ठीक है, ऑप्शन है गंगोली हाट, जागेश्वर, द्वाराहाट, रामेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर होगा, पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर है रामेश्वर। आपको रामेश्वरम और रामेश्वर से कंफ्यूज नहीं होना है, यह रामेश्वर है जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है और यहाँ पर मकर संक्रांति में मेला भी लगता है। ठीक है, तो यह कहाँ पर है, यह पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के तट पर यहाँ पर यह स्थित है रामेश्वर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन है भगनौल नृत्य, छोलिया नृत्य, बैर नृत्य और छोड़ा नृत्य। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र और इसी प्रकार से जौनसार क्षेत्र, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नृत्य होते हैं जिनको कि यहाँ पर युद्ध नृत्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये नृत्य किए जाते हैं ये हाथ में तलवार ढाल के साथ ये नृत्य किए जाते हैं, तो कुमाऊं क्षेत्र में यह नृत्य क्या कहलाता है। तो जो कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है छोलिया नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो छोलिया नृत्य में क्या होता है कि जैसे शादी हो गया या फिर धार्मिक अवसर हो गए, वहाँ पर इन तलवार ढाल या अस्त्र शस्त्रों के साथ में यहाँ पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो यह है छोलिया नृत्य जो कि कुमाऊं क्षेत्र में युद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, न्यू सेकेल किस देश की मुद्रा है। आपको बताना है न्यू सेकेल किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है मिस्र, ईरान, इजराइल, इराक। तो जो न्यू सेकेल है वह मुद्रा है इज़राइल की। ठीक है, अभी आप जानते ही हैं कि हाल ही में क्या हुआ था कि इसे यहूदी राष्ट्र घोषित किया गया था। इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जिसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वो जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि जो यरूशलम है उसको इज़राइल की राजधानी घोषित कर दी थी, लेकिन अंततः क्या हुआ कि यहाँ पर जो यहूदियों के, क्योंकि बहुसंख्यक थे तो इसीलिए अब इसको फाइनली यहूदी राष्ट्र घोषित कर दिया गया है इज़राइल को। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में कहाँ से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात हो रही है। ऑप्शन है अरब सागर, कन्याकुमारी, उड़ीसा तट या फिर बंगाल की खाड़ी। तो जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वे शुरुआत होते हैं बंगाल की खाड़ी से। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है वह बंगाल की खाड़ी से शुरू होते हैं और उसके बाद ये चक्रवात जो होते हैं वे पूर्वी घाट तट पर बारिश इस तरफ चलते हैं, ये हमारे तरफ, और यहाँ पर इस तरह से ये बारिश भी करते हैं, अपने साथ जो पानी ले जाते हैं उसके साथ ये पूर्वी घाट पर टकरा करके बारिश भी करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम ज़रूर अपनी जो ज्योग्राफी सीरीज़ होगी इसमें वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम आपको इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में अच्छे से बताएंगे। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट ने किस वर्ष अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जब 1 रुपये का नोट बना था तो 1 रुपये के नोट ने कौन से वर्ष में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
इनकी अपनी जो 100वीं वर्षगांठ है वह मनाली है, तो वह है आपके ऑप्शन है 2015, 2016, 2017 या फिर 2018। तो 2017 में 1 रुपये के नोट ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो जो गुरुमुखी लिपि थी उसका आरंभ किया था गुरु अंगद देव ने। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही होगा, गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न है, ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन है 1980, 1983, 1985 या फिर 1990। तो ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, जिसके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, तो इसको यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर घोषित किया, ये प्रश्न है। तो इसको 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बात हो रही है येलो स्टोन नेशनल पार्क की। ठीक है, यह सबसे पुराना नेशनल पार्क भी माना जाता है। तो यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस। तो यह स्थित है अमेरिका में। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बात हो रही है येलो स्टोन नेशनल पार्क की। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष योजना का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, योजना का नाम है मिशन इंद्रधनुष, तो यह योजना कब शुरू की गई आपको बताना है, क्योंकि योजनाओं से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको हर योजना के बारे में थोड़ा उसकी जो डेट है कब शुरू किया गया वो पता होना चाहिए, और योजना क्या है वह पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके लिए हैं 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2015, 25 सितंबर 2014 या फिर 25 सितंबर 2015। तो जो यह योजना थी यह शुरू की गई थी कब? 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसके तहत क्या है कि जो भी विषाणु के जनक जो संक्रमित रोग जो हैं, जो विषाणुओं से होते हैं, तो उनको 2020 तक पूरा का पूरा समाप्त करना है टीकाकरण के माध्यम से। ठीक है, तो टीकाकरण के माध्यम से इस जो ये रोग हैं, जो संक्रमित रोग हैं, इनको पूरी तरह से देश से खत्म करना है लक्ष्य 2020 तक। यह है मिशन इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण या फिर अपवर्तन। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वह करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य। अब दोस्तों थोड़ा इसके बारे में थोड़ा मैं आपको एक बाहर की जानकारी दे देता हूँ। इसमें क्या है कि आप जो 4G चलाते हो, जो या इंटरनेट चलाते हो, ये किसी आप सोचते हो कि किसी टावर के माध्यम से आते हैं, लेकिन ये किसी टावर के माध्यम से नहीं आते हैं, बल्कि ये आते हैं कुछ केबल्स के माध्यम से, और वो केबल्स जो बनी होती हैं वे होती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, और इनको क्या किया जाता है, समुद्रों में बिछाया जाता है, और इससे अलग अलग देशों की जो जानकारियां होती हैं वह अलग अलग क्षेत्रों में इन केबल्स के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। यह थोड़ा अटपटा ज़रूर लग रहा है, लेकिन सच में ऐसा ही होता है, क्योंकि आपने अभी हाल ही में सुना है एक जो रिलायंस जियो कंपनी है, तो यह क्या है, फर्स्ट टीयर कंपनी है। तो इसके यह इसने क्या कर दिया है, पूरे विश्व में अपनी जो केबल्स हैं वह बिछा दी हैं। तो अब अभी इसने क्या किया था, अपना इंटरनेट भी फ्री दिया था। तो इसका कारण यही है, क्योंकि जो इंटरनेट रियल में होता है वह फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। जो उसका पैसा हम लोगों को देना पड़ता है वह सिर्फ और सिर्फ इन केबल्स का देना पड़ता है, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानकारी थी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप इस पे यूट्यूब पे आप सर्च करिए, आपको बहुत जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, किस धातु की अधिकता से मनुष्य में सिड्रोसिस नामक बीमारी होती है? ठीक है, ऑप्शन है तांबा, लोहा, जिंक और मैग्नीशियम। तो जब शरीर में जो है वह आयरन की मात्रा अधिक हो जाती है, लोहा अधिक हो जाता है, तो उसके बाद शरीर में एक रोग होता है, वह है सिड्रोसिस नामक रोग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अंतिम प्रश्न आज का है आपके लिए, अंटार्कटिक में भारतीय शोध केंद्र है, आप जानते हैं जो अंटार्कटिक है वह कहाँ है? वह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव में जो है यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा बर्फ़ है, क्योंकि बहुत ठंडा है, तो यहाँ पर लोग तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, शोध कार्य होते हैं। तो विभिन्न देशों ने क्या किए हैं, यहाँ पर अपने अपने शोध केंद्र बनाए हुए हैं। तो हमारा देश जो भारत है उसका जो शोध केंद्र है उसका नाम क्या है, जो कि अंटार्कटिक में स्थित है? ऑप्शन है मेघा, मीनाक्षी, भारती या फिर रीवा। तो उसका जो नाम है वह है भारती।
तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब आपको जो स्कोर है आपका हमेशा की तरह हमें हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको लिखना है आज का आपका स्कोर जो है। अब हम बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ जो अभ्यास प्रश्न हैं उनकी, तो वे हैं, पहला अभ्यास प्रश्न है रूस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है 1970, 1927, 1937 या फिर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसके द्वारा किया गया। जेम्स कुक, लुकस प्लैन, सिडनी बुराड, रॉबर्ट विंग। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर जानना है तो हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण, आप उसको ज़रूर देखिएगा, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है चौथ भूमि पर किस शासक द्वारा लगाया जाता था। जो चौथ का कर है यह किस शासक के द्वारा लगाया जाता था। जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह या फिर शिवाजी। ठीक है, टैक्स था यह जो भूमि पर लगाया जाता था, यह किसके द्वारा लगाया जाता था। अंतिम प्रश्न आज का है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन है 62, 72, 82 या फिर 73। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस आपके लिए दिए थे इनके सही आंसर्स की। तो आज बहुत सारे दोस्तों ने इसके सही आंसर्स दिए हैं, हम उनको बताएंगे आपको। तो वे हैं अभ्यास के लिए आपके पिछली वीडियो का जो पहला प्रश्न था वह था एलोरा की गुफाएँ कहाँ स्थित हैं। तो एलोरा की गुफाएँ जो हैं वह हैं महाराष्ट्र में। जो एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं वे महाराष्ट्र में हैं। इनका निर्माण किया गया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा लगभग 500 से 1000 ईस्वी में, और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। जो एलोरा की गुफाएं हैं वहां पर 34 गुफाएं हैं, और इन गुफाओं में हिंदू, जैन और जो बौद्ध मूर्तियाँ हैं वहाँ पर मिलती हैं। अगला प्रश्न है विश्व का 100% शहरीकृत देश है। तो जहाँ पर क्या है 100% जो है नगरीकरण हुआ है वह देश है कौन सा, सिंगापुर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो यह किया गया 1986 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का क्वथनांक होता है। तो भारी जल का जो क्वथनांक होता है वह होता है 101.470 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बादल राग कविता के रचयिता हैं। तो बादल राग जो कविता है वह किसने लिखी है, वह लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं किन दोस्तों ने इन प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो जो चार प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं वे हैं दीपक फर्तियाल, गुरदीप सिंह, मनोज शर्मा, अमित जगवान, मनोज पयाल, स्वरूप सिंह बिष्ट, सुमन नेगी और शुभम सिंह। जबकि पांच प्रश्नों के जो सही उत्तर दिए हैं वे हैं दीपा धामी, कमला भट्ट, ललिता नेगी, मोहिनी वर्मा, प्रमोद पांडे, महेंद्र गुप्ता, नीरज भोजक और सुशील डोंडियाल। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों ने तीन प्रश्नों के भी सही उत्तर दिए हैं, तो उनका नाम अभी हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। वे लोग अगली वीडियो में कोशिश करें कि वे चार से और पांच प्रश्नों के सही उत्तर दें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से, और एक और प्रश्न था जिसका कि हम पिछली वीडियो में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इस प्रश्न को भी आप थोड़ा सा नोट कर लें कि जो महाधिवक्ता होता है वह आर्टिकल 165 के अनुसार जो महाधिवक्ता का चुनाव करते हैं, नियुक्त करते हैं, उनको करते हैं राज्य के राज्यपाल। ठीक है, और जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और जो वर्तमान में अभी हमारे राज्य के जो महाधिवक्ता हैं वे कौन हैं, वे हैं एसएन बाबुलकर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो काम की लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो काम की लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।